वेलकम टू अरबाज, आओ मेलमाना। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ खुदा, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उनसे क्या दुआ मांगते। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा अगर कोई रब होता तो मैं उससे सबसे पहले तंदुरुस्ती मांगता। तो गोया जाहिर हुआ कि जिंदगी एक नेमत है, लेकिन तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर आप सेहतमंद हैं, तवाना हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। और अगर आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना नहीं, तो आप एक जिंदा लाश हैं और सिर्फ आपकी तदफीन बाकी रह गई। अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को किस तरह हम सेहतमंद और तवाना बना सकते हैं, इसकी कुछ टिप्स हैं जो कि साइंटिफिकली भी बड़ी प्रूवन है और हमारे मजहबी एतबार से भी ये बहुत अहमियत रखते हैं। कहते हैं कि अगर आपने एक तंदुरुस्त और तवाना और सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो आपको कम से कम 8 घंटे की एक मुसलसल नींद लेनी चाहिए। कंजेक्टिव फॉर 8 आवर्स यू हैव टू स्लीप अ साउंड स्लीप। और कोशिश कीजिए कि ये जो नींद है ये रात की हो। आजकल वैसे ही हमारा एक ट्रेडिशन बन गया है कि हम सारी रात जागते रहते हैं बिला वजह और दिन को सोते हैं, जो कि ठीक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि रात हमने बनाई आराम के लिए और दिन बनाया मेहनत करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि रात की नींद लीजिए, तो देखिए कि फिर आपकी सेहत किस तरह बदलती है। उसके बाद एक मुतवाजन ग़िज़ा लीजिए। एक बड़ी, आजकल तो वैसे ही बहुत ऑर्गेनिक फूड का एक सिस्टम चल गया है, अच्छी बात है वो अगर आप लेते हैं। एक मुतवाजन ग़िज़ा खाइए। एक इंसान को दिन में मेरा ख्याल है कि 2000 से 2500 कैलोरीज सही होती हैं, तो आप किसी तरह भी ले सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी खा लें, आप शॉर्ट मील्स लेकर भी वो ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि दिन की रोशनी में खाइए, क्योंकि हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिन की रोशनी में खाने की तलकीन फरमाई है। तो देखिए किस तरह जिंदगी बदलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 24 घंटों में 1 घंटा अपने जिस्म को जरूर दें, चाहे वर्कआउट कर लें, जॉगिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, रनिंग कर लें। अगर कुछ नहीं होता तो कम से कम घर का काम ही कर लें, गाड़ियां धो लें, जो घर में अगर सीढ़ियां हैं तो ऊपर नीचे चले जाएं। नमाज तो आप पढ़ते होंगे, वो भी एक एक्सरसाइज है। तो कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपना लें तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है और हम एक तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी गुजार सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में है बख्तावर क्यूम और एज यूजुअल बहुत प्यारी लग रही हैं, और जनाब सरोज साहब हैं और शामिल साहब हैं। आपका तीसरा पार्टनर किधर गया? छुट्टियों में। बड़े तुम घूमते रहते हो, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कभी कहाँ कभी कहाँ, क्या बात है जी। जी बख्तावर, आज क्या तैयारी है? सर आज हमारी लेजेंड्स हैं, वैसे तो हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं सारे ही लेजेंड्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उनमें सबका एक एक जो सॉन्ग है उसको शामिल प्रोग्राम करूँ। अच्छा जी, चलें जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज करते हैं बख्तावर क्यूम के खूबसूरत से नगमे से। चलिए जी। Thank you.
क्या बात है जी, जबरदस्त। तू मेरी जिंदगी है, मेरी हर खुशी है, तू ही ख्वाहिश, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। क्या बात है जी, जबरदस्त। जी तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने पहले मेलमा को बुलाएं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे प्रोग्राम के पहले मेलमा से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज आओ मेलमाना। Welcome back to our Bazao Milmana. जी तो नाज़रीन, हमें कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102249 पर। नंबर थोड़ा तब्दील हो गया, मैं रिपीट करता हूं, आई रिपीट वंस अगेन, 0514102249 पर हमें कॉल कीजिए, हमें आपकी कॉल का इंतजार है। जी तो लेट्स कम टू द ब्रास टैक्स, मिलमाना, अरबाज़ो मिलमाना। हमारे जो आज के पहले मिलमा हैं, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बहुत सारा नाम कमा लिया, बड़े करेजियस हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने रबाब बजाना, प्ले करना शुरू किया, और उसके बाद एक फतूहात का सिलसिला जो है इनकी ज़िंदगी में शुरू हो गया। न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी जाकर इन्होंने बहुत नाम कमाया, और इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हम सुनते हैं उनकी ज़ुबानी, तशरीफ़ लाते हैं सन्नान महबूब। सन्नान महबूब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। 16 साल की उम्र में, जब मेरा ख्याल है कि इतनी अभी होश भी नहीं होती, और आपने जो है ना वो माशाल्लाह से रबाब प्ले करना शुरू कर दिया, क्या इंस्पिरेशन थी रबाब की? सबसे पहले तो फैमिली ही से इंस्पिरेशन थी। मेरे अब्बू अच्छा सितार बजाते थे, चित्राली सितार। क्या नाम है? महबूब अली। महबूब अली। और वो उनका एक्टिंग का भी बहुत शौक है, वो आपके भी फैन है, आपके अबू के भी बहुत। अच्छा, मेरे वाले साहब के फैन होंगे। तो और तो घर में वो माहौल ऐसा था कि वो उनका मौसीकी के साथ बहुत एक लगाव था। अच्छा। तो फिर फर्स्ट जो इंस्पिरेशन थी वो उनसे मिली, फिर मैंने चित्राली सितार स्टार्ट किया था एज अ हॉबी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं, चूँकि स्ट्रिंग कैटेगरी थी, तो मैं रबाब से इंस्पायर हो गया, अफगानिस्तान का जो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है। हुमायूं, तो फिर हुमायूं सखी से, जो कि वर्ल्ड रेनोस जो रबाब प्लेयर हैं, फिर आपने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। बिल्कुल, मैं उनके पास गया। आप काबल गए? जी बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है। तो 2015 में उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज स्टूडेंट। उन्होंने पहले टेस्ट नहीं लिया आपका? टेस्ट तो बिल्कुल लिया। अच्छा। बल्कि काफ़ी टाइम तक जज करते रहे, फिर उन्होंने मुझे एक सर्टिफाइड शागिर्द बना दिया। तो अभी बस अच्छा, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक इस इंडस्ट्री से, म्यूजिक इंडस्ट्री से है, तो ये नहीं कि मैं पठान हूँ तो बाय बर्थ जो है ना मेरी इस चीज़ से कोई एट्रीब्यूशन है, लेकिन ये है कि रबाब मुझे बहुत अपील करता था। आई डोंट नो व्हाई, बहुत बड़ा सूदिंग सा, और इतना मतलब आपको इतना अच्छा लगता है, इतना भला लगता है। तो मतलब आपको भी क्या ये इंस्पिरेशन थी कि रबाब बहुत मतलब जी बिल्कुल इसकी मीठी धुन है? बिल्कुल, क्योंकि ये रूह बाब से निकला है ना, रूह मीन्स सोल एंड बाब मीन्स दरवाज़ा, तो डोर टू सोल। तो वैसे भी मतलब हमारा इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट है, ओरिजिनेट भी अफगानिस्तान से हुआ है, तो वैसे भी हमारा वो ब्लड में, हमारे ब्लड में ये शामिल है, तो उस उधर से भी एक इंस्पिरेशन है। तो मेरे ख्याल में हर पश्तो स्पीकिंग या हर एक बंदे को एक कैच करती है इसकी साउंड। चले तो जी, आप हमारे साथ हैं, और अभी तो आपसे काफ़ी गुफ्तगू करेंगे, और हम और भी सुनेंगे कि आपकी क्या अचीवमेंट्स है। तो क्यों ना आप ज़रा सा थोड़ा सा कोई हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूर कर दें रबाब। पश्तो का एक मैं सुना दूंगा, राजा चे और जोड़ा को जोंगड़ा। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। आगे बड़े कलरफुल से वो बांधे होते हैं। बिल्कुल। आपने नहीं बांधे? बस मुझे ऐसे ही पसंद है, मतलब एज इट इज, डी शार्प। Thank you.
बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तो आप साथ गुनगुनाते नहीं हैं? नहीं, सिंगिंग का शौक था लेकिन नहीं, वो तो इसके साथ जरा वैसे भी इतना सिंक्रोनाइज होता है। हाँ, लेकिन वो डबल माइंडेड हो जाता है ना बंदा, तो कुछ माइंड्स डबल टास्किंग कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, हम पश्तो में अक्सर कहते हैं कि यार रबाब और मंगे, ये मंगे का इसके साथ क्या तांता बांता? ये मतलब ट्रेडिशनल भी है हमारा, फोल्कलोरिक ज़्यादातर जो सॉन्ग्स है या जो महफिलें होती थी हुजरा में, वो भी एक आर्ट है। आप तो देखें, वो जो घड़े के साथ जो उसको बजाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अक्सर खाली करके भी बजाते हैं, मतलब उसके ऊपर वो खाल नहीं होती। क्या बात। तो एक ट्रेडिशनल एक बात है ना कि काफ़ी पहले से ये रबाब और मंगे को अटैच किया है, जिस तरह तबला हो गया तो फिर ये तबले के साथ आ गया क्लासिकल में। अच्छा सनान, ये बताएं कि क्या स्कोप है आगे, नज़र आता है आपको इतना है, लोगों में अवेयरनेस है, सीखना चाहते हैं आप, कोई इस तरह की आगे मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप किसी को सिखाते हैं या आपका भी ये सीखने का अमल जारी है? पहले नहीं था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो एज सच कोई इस तरह की अकेडमी नहीं थी कि जिधर एक बंदा जा सके और प्रॉपर सीख सके, लाइक कोई इन्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस भी आ रही है, और काफ़ी जो यंगस्टर्स है स्पेशली, क्योंकि पहले ये म्यूज़िक के साथ लगाव सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों का था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, और जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस है उसमें भी एक ट्रेंड है कि एक स्टूडेंट स्टडीज़ के साथ साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाए। तो मैंने एक कोशिश शुरू की है, एक अकेडमी मैंने लॉन्च की है। अच्छा, माशाल्लाह, किस नाम से? स्टकैटो के नाम से, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। अच्छा। तो उधर मैं जो बिगिनर्स है या जो सीखने वाले, उसमें सिर्फ आप रबाब भी सिखाते हैं या और भी? म्यूजिक थ्योरी है और जो बेसिक रेलेवेंट रबाब है और रबाब इंस्ट्रूमेंट। सही, क्योंकि जो अच्छा मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक कॉलर है, मैं उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ख्याल है शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, चलें दोबारा कोशिश कीजिए। है जी, हेलो अरबाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। हेलो। हेलो अरबाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? जी जी बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम अरबाज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं शहादत बोल रहा हूँ दुबई से। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कोई सजेशन देना चाहेंगे? यही सजेशन देना चाहिए कि ये जो भाई है गिटार वाला, रबाब वाले, सॉरी रबाब वाला जो है, उसको थोड़ा वो मुंगी द खैबर ज़ल्मी वाला सॉन्ग चाहिए। कौन सा वाला? मुंगी द खैबर ज़ल्मी। चले जी, ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश हम अभी पूरी कर देते हैं। ठीक है जी, मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए मोहम्मद आजम। अच्छा, वो आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो सनान ये बताइए कि गिटार और रबाब, मेरा ख्याल है सेम ही स्ट्रिंग्स हैं, मैं देख रहा था वही, क्या क्या डिफरेंस है इसको प्ले करने का? इसके जो मेलोडी मेन स्ट्रिंग्स है वो नायलॉन के है, गिटार के स्टील के स्ट्रिंग्स होते हैं, और जो फर्स्ट बेस स्ट्रिंग होता है जो वो स्प्रिंग का होता है, तो स्ट्रिंग भी उसमें ज़्यादा है, मतलब जो मेन मेलोडी स्ट्रिंग्स है, और इसके मेन मेलोडी स्ट्रिंग्स तीन है, मतलब जो साज बजता है वो तीन स्ट्रिंग्स पर बजता है, और रबाब जो है वो ज़्यादा लीड पे बजता है, गिटार ज़्यादा सपोर्टिंग में। क्या बेसिक थीम है इसको सीखने में, मतलब अगर मैं सीखना चाहूँ तो मुझे कितने दिन लगेंगे? वो तो डिपेंड करता है, नॉर्मल एक स्टूडेंट 3 महीनों में, मतलब अगर प्रॉपर स्टार्ट करे तो थोड़ी थ्योरी वगैरह समझ आ जाती है, वो मतलब बजाना अच्छा। शुरू कर देता है। अच्छा, फिर तो प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, आप जितना आप प्रैक्टिस करते हैं बस उतना अच्छा होता है, इम्प्रूव। और क्या, कहाँ आपने परफॉर्म किया है, मुल्क में, मुल्क से बाहर? मैंने अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, नेशनल सॉन्ग्स प्रोजेक्ट था, 23 मार्च पे हमने फिर पैरेड ग्राउंड पे परफॉर्म भी किया उसको लाइव, अली हमजा उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और पूरी कोक स्टूडियो की टीम थी। उसके अलावा मैंने काफ़ी बैंड्स के साथ भी परफॉर्म किया। अच्छा। अपना हमारा एक बैंड भी था यून,
और बाकी भी मतलब जमाल शाह साहब के साथ मैंने हुनर कदम में मैं उधर होता भी था। अच्छा। उधर उनके साथ एल्बम्स में मैंने रबाब भी रिकॉर्ड किया। सही। तो काफ़ी इसी तरह मतलब प्लेटफॉर्म्स है, कराची में भी परफॉर्म किया, लाहौर में भी। और अच्छा हाँ, हमारे नाज़रीन के साथ मेरे ख्याल एक और कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल करें? सर उमर बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़ से सर। मुजफ्फरगढ़ से? जी सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाए सर, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं आपके सामने फिट फाट बिल्कुल, आपकी कॉल आ गई और फिट हो गया मैं। सर गाना सुनना था आप ही से, बख्तावर। कौन सा वाला? तुम्हें क्या पता तुम मेरे क्या हो। तो तुम्हें क्या पता, आप मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना। सर यहाँ पे नहीं कर सकते, इंडियन सॉन्ग है सर ये। अच्छा भाई कोई पाकिस्तानी गाना बताए ना, पश्तो का गाना बताओ यार। अभी भाई भी बैठा हुआ है, बख्तावर भी बैठी हैं। अगर तुम ना आई मीन कोई लोकल गाना बताएं। अगर तुम ना होते सर फिर भी सुना दें, आप सारी फैमिली बैठी हुई है इधर। अच्छा कौन सा? कोई भी सुना दें। अच्छा चलो ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड, आपको सुनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अरबाज सर, एक वैसे तो यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होती है, लेकिन सनान के साथ ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था फर्स्ट यहीं एटीवी चैनल पर, शड़ंग बिल्कुल हुई थी हमारी मुलाकात। और इस बंदे की पर्सनालिटी में जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि मैं दो काम नहीं कर सकते एक टाइम में, डिसेंसी और कंसिस्टेंसी। और अभी टाइम 5 साल के बाद मैंने देखा खुद ये उतना ही है, बल्कि थोड़ा और छोटा हो गया, लेकिन काम में माशाल्लाह और ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। और सही जिसको कहते हैं ना कि दिल लगा के काम करने वाले लोग, मतलब मेरी तरह काम चोर नहीं है कि टाइम नहीं दिया, सीखा नहीं, नहीं सर वाकई, लेकिन इन्होंने सही तौर पे हक अदा किया है अपने इंस्ट्रूमेंट का। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। देखिए जी आज तक हमारे इतने गेस्ट आए, बख्तावर ने कभी इनपुट नहीं दिया, आपके लिए दिए तो इट मीन्स कि यू डिजर्व इट। थैंक यू, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सनान हमारे साथ वो वाकया शेयर करें ना कि आप हुमायूं सखी साहब के पास जब काबुल गए तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब वो जानते थे या जाके आपने अपना इंट्रो करवाया? सोशल मीडिया पे बात हुई थी उससे पहले, तो फिर वो US में होते हैं। अच्छा, तो उस टाइम वो 2015 की बात है, 2015 की बात है। तो वो काबुल आए थे कुछ फैमिली से मिलने के लिए, तो फिर मैंने रابطہ किया कि मैंने आना है काबुल। उसने कहा थे कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस आपने करना है और वीज़ा लगवाना है और आपने आना। मैंने कहा आप सिर्फ कहे कि आप आ जाए मैं पहुंच जाऊँ। खैर उन्होंने कहा कि चले मैं एक हफ़्ते तक इधर हूँ तो आप मीनवाइल आप आ जाए। फिर हम 3 दोस्त थे, हमने प्लान बनाया और हम चले गए काबुल और फिर उधर उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारा और फिर मतलब उधर से वो जर्नी। और भी थे स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी उधर उस टूर में? तो और नहीं थे, इधर से हमारे कुछ दोस्त थे 3, एक वसीम एक अली, तो हम साथ गए थे, मतलब हमने साथ प्लान बना लिया। कुछ उन्होंने फिर टिप्स बताई? हाँ उन्होंने फिर स्टार्टिंग टिप्स बताए, मतलब वो मुलाकात में इस तरह कोई बात थी कि उस वो एक टर्निंग इफेक्ट था, उसके बाद बस हमारा वो एक्सप्रेशन और पूरा वो अप्रोच चेंज हो। क्या बात है जी, वो किसी से ऐसे जो हुनरमंद लोग होते हैं उनकी लम्स से ही आपका लम्स मिल जाए तो यही काफ़ी होता है। Exactly. वैसे ही जो है ना वो चीज़ें आपको वो आ जाती हैं। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ड्रॉप्ड। चलो जी कोई बात नहीं, सनान हमारे साथ हैं और प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी हो सारी है, तो बख्तावर कोई गाना डेडिकेट कर दें सनान। हाँ सर, सनान बहुत समझता है म्यूजिक को नहीं, और नहीं, इसको बहुत पता चलता है कि कहाँ गलती की है, कहाँ जगह सही ली है, कहाँ नहीं। अब देख ले ये तो फिर इम्तिहान हो गया। हाँ। अब आपको ज्यादा उससे जरा गाना प्रेशर हो गया सर। नईरा नूर का सर एक जी, गाना जी, है का तकाजा है।
Welcome back to Arbaaz Aao Milmana. जी तो नाज़रीन सनान हमारे साथ हैं और आपकी कॉल्स भी आ रही हैं और हम मज़ीद कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं. कॉल कर सकते हैं 0514102249 पर. जी सनान, बख्तावर ने बड़ा बारीक गाना गाया. बहुत बड़ी बहुत बारीक गाना था. बहुत तो कितने मार्क्स देंगे इनको? मैं तो खैर कोई जज नहीं हूँ, लेकिन 10/10 मुझे तो बहुत अच्छा लगा. क्या बात है, ये जान पहचान का फायदा है. ये देखें जी, अच्छा क्या बात, ये तो मैथमेटिक्स हो गया जी, 100% मार्क्स आ गए. सर ये मुझे जब फर्स्ट टाइम भी मिले थे तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि सीखो, मेहनत करो, लेकिन मैंने की नहीं. अच्छा चलें जी, फिर आप भी कोई बारीक सी हमें भी आपके सेहत के हिसाब से नहीं कह रहा, आपके फन की बारीकी के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कोई एक और हमें कोई खूबसूरत सी धुन सुना दे. जरूर, एक इंस्ट्रूमेंटल ट्यून है, कोई गाना नहीं है, लेकिन नहीं, बस एक जो भी जरा जबरदस्त होता है मेरे उस्ताद की कॉपी लगे सारी बड़ी ई माइनर. Thank you.
जबरदस्त, क्या बात है जी, मजा आ गया, बहुत खूब, शुक्रिया। दिल तो करता है कि पूरे प्रोग्राम में हम आप हमारे साथ बैठे हैं, हम रबाब सुनते रहें, आप बजाते रहें और जनाब एक मधुर सी एक माहौल बन जाए, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, वक्त की पाबंदी है। और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सनान, शुक्रिया आप आए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। थैंक यू। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी करे मजीद और आप अपने नाम के साथ और भी एजाजात जोड़ें। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे अपने नए मेहमानों के साथ, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए अरबाज़ों मेहमानों। वेलकम टू अरबाज़ों मेहमाना। जी तो नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है हमारे दूसरे और तीसरे मेहमानों का, स्टूडियोज में तशरीफ ला चुके हैं और मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूं, जो मेरी पहली गेस्ट हैं। वंस अगेन एज अ ट्रेडिशन ऑफ अरबाज़ एंड मेहमाना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, पोइटस हैं, राइटर हैं, ब्यूटिशियन हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और भी उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। तशरीफ लाती हैं रुखसाना सहर। जी तो अपने तीसरे मेहमान को भी बुलाते हैं, उनका भी सेम प्रोफेशन है, वो भी पोएट हैं और राइटर हैं। तो तशरीफ लाते हैं जनाब अरशद मलिक साहब। जी आपको खुशामदीद कहते हैं अरबाज़ों मेहमानों में। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने तो हमारी हसबे रिवायत, जो कोई भी हमारे पास जो यहाँ पर मेहमान आते हैं ना, वो एक काम में स्पेशलिस्ट नहीं होता, माशाल्लाह कई उनकी स्पेशलिटीज होती हैं, आप भी उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे मैनेज होता है सारा कुछ? हो जाता है, करना चाहे तो। हाँ ये बात तो है, डिटर्मिनेशन हो तो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो पोएट भी है माशाल्लाह, राइटर भी है। पोएट और राइटर में फर्क होता है? शायरी करना पोएट कहलाता है, और आप अगर नसर लिखते हैं या कुछ भी आप नॉवल लिख रहे हैं या अफसाना लिख रहे हैं तो आप राइटर हैं। अच्छा, और साथ में ब्यूटीशियन भी है? जी ब्यूटीशियन। तो कभी ऐसे किसी का मेकअप करते करते ऐसे कोई आमद आ जाती है सामने? बिल्कुल, मैंने मेकअप के हवाले से होती है, खूबसूरती के हवाले से? नहीं नहीं, आमद तो होती है, लेकिन मैंने स्पेशली एक पॉलर वाली जो होती है ना, उसके लिए नज़्म लिखी। अच्छा। जो मेरे अपने दिल में ख्याल आता था ना, इतने मतलब बदनुमा चेहरे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको झूठ को सच साबित करते हैं, झूठ को सच साबित करना, तो वो फिर उस हवाले से फिर एक नज़्म लिखी थी। चलें जी, आप हमारे साथ हैं, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अरशद मलिक साहब जी। सर, सर आप भी राइटर हैं माशाल्लाह और शायर भी हैं? जी शायरी करते हैं और उसके अलावा राइटर हैं, पब्लिशर हैं, बहुत तरीके से माशाल्लाह। अच्छा सर, ये शायर की जो एक कैफियत खास होती है जब एक आमद आती है, या चलते चलते भी कोई बात आ सकती है जहन में, क्या कोई स्पेशली आप बैठ के मूड बना के सोचते हैं कि भी चल क्या सोचें? देखें, ये तो एक आमद का सिलसिला होता है कि आप किसी वक्त भी, आपको एक आमद होती है और आप इसको शेर में ढाल लेते हैं, लेकिन बाकायदा इसकी फिनिशिंग करने के लिए हमें बहरहाल एक जगह बैठना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। लेकिन एक पंच लाइन की बात होती है ना, पंच लाइन आ जाए वो आमद होती वो है। हाँ, असल चीज़ तो पंच लाइन ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो रुखसाना जी आप बताएं ना, वो जो आप जो झूठ को सच करने वाली बात बता रही थी, वो कोई हमें है कोई नज़म ऐसी कोई सुनाए ना? नज़म तो मैं कोई आपको और ही सुनाऊंगी इस हवाले से, चूँकि वो अभी मेरी किताब आने वाली है सहर याब के नाम से। अच्छा। इंशाल्लाह वो नज़म उसमें आएगी। अच्छा। फिर आप पढ़िएगा तो ऐसे इसके बाद फिर देख लें, आपकी कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपका ये काम फिर चलने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखें, बात तो सच है, वो बात ये है कि जो मेरे दिल में आता है ना, कि मतलब मैं सोचती हूँ काश जो इनके चेहरों पर, मतलब वैसे तो हम खूबसूरत बना देते हैं, काश हम अंदर से भी इंसान। अरे असल बात तो ये है, तो मतलब ये था उसका थीम कि काश हम इंसान को अंदर से भी मेकअप कर सकते, उसका जो अंदर, देखे ना कुछ इंसान ऊपर से बड़े उजले लगते हैं, वो अंदर से काले होते हैं,
तो काश हम अंदर से भी उनको उजलापन दे सकते। चलें हमें आपका अपना जो फेवरेट कलाम है वो सुनाए ना थोड़ा सा। नज़्म मैं आपको इसी हवाले से एक छोटी सी सुना देती हूँ, बेबसी। बेबसी कितना मुश्किल लगता है, कितना मुश्किल लगता है औरों से अपने, कितना मुश्किल लगता है औरों से अपने गम को छुपाना, आंख के आंसू दिल में गिराना। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, क्या बात है सर। कहते हैं कि आओ कायनात बांट ले हम, आओ कायनात बांट ले हम, तुम मेरी बाकी सब तुम्हारा। क्या बात, क्या बात है, सारी कायनात तो आप लेंगे। हाँ ये शुरू शुरू की बातें होते, बाद में बंदा पछताता ही है। जी मलिक साहब, आपका सर वो एक सफरनामा है जो आपने लिखा। हाँ हज के जो है हवाले से, उसके जो पस मंजर जो हज का है। तो आप माशाल्लाह 2012 में हज पे मैं गया था। अच्छा, तो उसके बाद तकरीबन ये 7-8 साल मैंने उसको लिखने में लगाए। तो ये एक ऐसा रूहानी सफ़र था जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब यूँ हुआ कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई और उसने कहा जी कि मैंने हज पे जाना है और मैं इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाऊँगी। तो वो उसके ख्वाब थे, वो टीवी पे अपने जो ये सारे मनाजर हज के देखती और हमेशा रोती रहती और इस तरह अक्सर एक रिकत आमेज़ एक माहौल बनता। तो मैं एक दिन वैसे ही सोचा कि यार चलें इसकी खातर चलते हैं, ये जो अपना सोच रही है, ख्वाब देख रही है कि यार मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। अक्सर कहती थी कि अरशद मैं वहाँ जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो मैं बस उसके साथ चला गया और एक एडवेंचर करने गया, जैसे एक आप घूमने फिरने जाते हैं इस तरह। अच्छा, ऐसा हुआ हज को आप इस नज़रिए से, ऐसा ऐसे गया कि चले उसकी वजह से हम चले जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसी जगह है, ऐसी बाबरकत जगह है कि वहाँ पे जब आपको इंसान को पकड़ लिया जाता है तो वो फिर पकड़ के उसको बांध दिया जाता है, वहाँ बिठा दिया जाता है कि भाई आप यहाँ बैठें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ और उसके बाद ये हाजिर अल्लाह साईं आप लोगों के सामने दिखाएं ना सर हमारे नाज़रीन। जी जी, हाजिर हाजिर अल्लाह साईं, हाजिर अल्लाह साईं, ज़बरदस्त। तो सर क्या मतलब, कैसे फिर आपको फील हुआ कि बस अब मैं यहाँ बंद गया हूँ? असल में हुआ ये कि जब हम लोग कैंप में गए ना, तो कैंप में मौलवी साहब हमें बता रहे थे कि भाई हज कैसे करना है, अदा करना है, ऐसी कोई बातें। तो उस वक्त उन्होंने एक वाक़या सुनाया मुझे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो वो उस वक्त उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि या अल्लाह ये जंगल बियाबान रेगिस्तान में आप अपना घर बनवा रहे हैं हमसे, तो यहाँ पर किसने आना है मेरी इबादत करने के लिए? तो उस वक्त अल्लाह पाक ने उनको कुछ आवाज़ें सुनाई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की, और उन्होंने कहा कि ये वो आवाज़ें हैं जो रहती दुनिया तक जितने लोगों ने हज किया या हज करेंगे उन सब की आवाज़ें हैं, और उन आवाज़ों में मेरी आपकी वो भी आवाज़ शामिल है। और जब ये उन्होंने बताया तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि जिस चीज़ की मैंने तमन्ना नहीं की, मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की कि मैं हज पे जाऊँगा, और वो बग़ैर ख्वाहिश के बग़ैर तमन्ना के मेरी झोली में डाल दी गई। तो उसी वाक़े ने मुझे आगे मतलब तहरीक दी कि यार मैं अब ये है कि जब मैं हज के दौरान जो भी मेरा टाइम गुजरेगा वो सारा इस यकीन के साथ गुजरेगा कि ये सब कुछ है और सच है। और आप भी जानते हैं कि ये कोई भी चीज़ हो, अल्लाह पाक को जब आप इस नज़रिए से देखते हैं कि ये नहीं है तो वो आपको नहीं नज़र आता, और जब आप इस यकीन के साथ देखते हैं कि ये है तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपके नज़रों से ओझल होती। क्या बात है, ज़बरदस्त सर, ये तो फिर एक ज़ाहिर है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ताला ने देखें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, आपने कहा कि चलें एक तजर्बा करते हैं और वहाँ जाके देखें ना आपकी क्या रूहानी की। अल्लाह ताला नाज़रीन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अरबाज भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गुलाम शबीर बात कर रहा हूँ जी, गोलपुर तहसील पिंड दादरखान। अच्छा जी, गुलाम शबीर साहब कुछ कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? जी बहुत अच्छा लगता है जी, आपके प्रोग्राम सारे ही ना बहुत अच्छे हैं, और आप हमारे पाकिस्तान और खास तौर पर ना पटवार की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं आपके सारे प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा, और मेहमानों की गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है सर, आपकी मोहब्बत है और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपके मयार पर पूरा उतर सके, और पोठोहार भी एक हमारी ज़ुबान है, क्यों नहीं,
और हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी के टू टेलीविजन से जितने भी मुंसलिक हमारी जुबानें हैं, हमारे लोग हैं, हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें। और हमारे इलाके को भी थोड़ी कवरेज दिया करें ना, ये पिंड दादन खान खेड़ा। ठीक है जी, सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कुछ और तजवीज़ देना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? चलें जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सहर जी, तो कॉलमनिस्ट भी हैं माशाल्लाह, कौन से मसाइल को ज़्यादा उजागर करती हैं? जो भी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, खवातीन के इश्यूज़ ज़्यादा, खवातीन के इश्यूज़ भी, और वैसे भी कुछ भी ऐसा मतलब चल रहा हो, जैसे मैंने मतलब मैं मुख्तलिफ मौजूआत पे लिखती हूँ, और मौजूआत भी ऐसे जो बिल्कुल मुनफरिद होते हैं, जिस पे मतलब किसी ने लिखा ना हो, लाइक जैसे जैसे गर्मा गर्म अंडे अब इस पे तो किसी ने नहीं लिखा होगा और इसके अलावा एक मेरा था कॉलम, ये स्टेशन पे अक्सर हम आवाजें सुना करते थे ना, जब नहीं मतलब वो एक बच्चे को मैंने देखा था अंडे बेचते हुए, फिर वो बहुत मतलब कहानी है। क्या लिखा उस पे? उस पर यह था कि वो बच्चा अंडे तो बेच रहा था, और जब मैंने उसे अपने पास बुलाया, मैंने सोचा ना मतलब उसने जूता नहीं पहना हुआ था इतनी ठंड में, मैंने कहा बेटा आपने खुद अंडा खाया? कहता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जितने अंडे खाओगे मैं आपसे उससे डबल लूँगी, पहले आप खाओ ना। अब वो अंडा तो उसने छीला, खाने लगा, और बड़ी मुश्किल से अपने मतलब मुँह की तरफ लेके जाता, बड़ा मुश्किल से वो एक बाइट लेता, फिर नीचे घबराता, और जैसे ही मैंने इधर उधर आँख की, उसने अंडा फेंक दिया, दूसरा छीला, थोड़ा सा खाया, फेंक दिया। मैंने, और मुझे नहीं पता चला कि उसने फेंक दिया, मैंने कहा ठीक है उसने शायद दो अंडे खाए, तो मैंने उसे चार खरीदे। जब वो बच्चा चला गया, मैंने कहा चले मैं भी ये खाती हूँ, जब मैंने उसको छीला, मैंने देखा तो उसमें इतनी स्मेल थी उस अंडे में कि वो समझे कि कोई पाँच छः दिन के उबले हुए थे। तो मैंने ये मतलब सोचा कि देखें तरबियत हमारे घरों से हो रही है, हम छोटे बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं, बेईमानी सिखा रहे हैं, मतलब इतना सा बच्चा, उसकी अम्मी ने अगर उबा के दिए होंगे तो उसने सोचा होगा कि ये सारे तुमने बेचने हैं, बेशक पाँच दिन में बेचो या छः दिन में बेचो। तो ये चीज़ थी, मतलब मैं ये बताना चाहती कि बच्चों को इस तरह की तरबियत मत करें कि वो छोटे हैं, अभी जो आप अभी उनको देंगे कल भी उनको वही मिलेगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये देखें मतलब वो एक बड़ी अनहोनी सी और बड़ा ये सबक आमोज एक ये वाकया है, और बिल्कुल इस पे एक इन्होंने नया एंगल निकाला ना। एक तो ये मैं सोच रहा था कि जब इन्होंने बताया कालम का नाम, तो ये सोच रहा था कि वो एक गरीब आदमी है, जो गरीब बच्चा है जो अंडे बेच रहा है, और इन्होंने खरीद दिए, जो जहरी तौर पे ये स्टोरी नजर आती है, लेकिन ये दूसरी चीज इन्होंने दूसरा एंगल निकाला, वो बहुत अच्छा है। उसको तरबियत ऐसी हो गई या उसको घर से, ये बात बड़ी आपने सही की है कि ये एक माँ स्पेशली खास तौर पर जब इस तरह के अपने बच्चे की तरबियत करती है, तो यकीनन वो तो फिर एक बिल्कुल मतलब माँ तो फिर पूरा एक मतलब आगी जनरेशन हो गई ना। बिल्कुल, वो तो तरबियत कर रही है ना। देखें ये हमारे यहाँ ये जो हम लोगों ने, एक तो बच्चों को बहुत जल्दी हम बड़ा कर देते हैं, बच्चों को जो तरबियत माँ की गोद से हमें मिलती है वो हमने उसको हमने छोड़ दिया, और यही वजह है कि माशरे में जो ये जो अफरा तफरी है, जो इस तरह के जो मसाइल हैं, इसकी वजह यही है कि आप देखें हमारे दौर में मतलब तकरीबन 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में हम लोग स्कूल दाखिल होते थे, आज आप देखें कि 2.5 साल का बच्चा होता नहीं और उसको स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है। तो वो माँ की गोद में जो तरबियत थी वो हमने छोड़ दी। सर ये तो बड़ा एक चलें कुछ एक्सेप्शनल से केसेस हैं जिसमें कि बच्चे को 2.5 साल में स्कूल में डाल देते हैं। मैंने तो 1.5 साल का बच्चे को भीख मांगते हुए देखा सर। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया, आप अगर इशारे पे खड़े हो गाड़ी में तो आपके इर्द गिर्द बच्चे आ जाते हैं, और इतने मासूम, इतने प्यारे से कि दिल करता भी इनकी मदद करें, लेकिन वो उनकी एज सच हौसला अफजाई करने वाली बात है ना, कि वो तो इस चीज़ के इम्यून हो जाएंगे, आदि हो जाएंगे, इन्होंने क्या शहरी अच्छे बनेंगे। ऐसे ही है, देखें ये पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिसमें कुछ ने कहा कि जी के कुछ बच्चों को उन्होंने कुछ चीज़ें दी कि ये जाके आप बेच के आएँ, और कुछ बच्चों को भीख मांगने के ऊपर लगाया, तो वो जब वापस आए तो जिन्होंने चीज़ें बेचनी थी उन्होंने तो 100-150 रुपये की चीज़ें बेची, और जिसने भीख मांगनी थी वो 1000-1500 लेके आए। तो ये हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला ये कि हम भीख तो दे देते हैं, लेकिन हम उनसे कोई चीज़ खरीदते वक्त हम सोच में पड़ जाते हैं या भावताव में चले जाते हैं। चलिए बिल्कुल सही बात। चलें जी, अभी आप हमारे साथ हैं, मज़ीद भी आपसे, आपके बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो हम आपसे सुनेंगे। जी कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।
कैसे अंकल जी, आप ठीक हैं? आपको और आपकी तमाम टीम को अपने हिफ्ज अमान में रखे और सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ी रेनोंड सी आवाज़ है जो अक्सर हमारे शो में हमको सुनाई देती है। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बाप बेटा, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है। आपके पहले मेहमान भी बड़े खूबसूरत थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी कहानी सुनाई और बहुत अच्छे साज बजाए, और बख्तावर ने भी बहुत अच्छे गाने सुनाए, गमे दिल से घबराते। क्या बात है, आप जैसे खूबसूरत लोग आते हैं तो हमारा प्रोग्राम भी खूबसूरत हो जाता है। और बेटा हाँ जी, इसमें तो आपकी नायत है, शुक्रिया ना आपका। तो ये और खास तौर पर भी जो मोहतरम हज के बारे में जी अपनी बातों का समझाने का और समझाया तो हम समझे, वहाँ जो भी जाता है अल्लाह की रसोई में बंद जाता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक की बात नहीं। बाकी रही जो मोहतरम मेरी प्यारी सी बेटी कहूँ या बहन कहूँ, क्या कहूँ इन्हें मैं अपनी उम्र के मुताबिक, ये शहर जो है ये बनता नहीं, कुदरत ही बन जाता है। जी जी बिल्कुल सही फरमाया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। यकीनन आपकी कॉल हमारे लिए बहुत माने रखती है और ये अक्सर जो है ना वो हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी सहर हमारे साथ हैं और अरशद मलिक साहब भी हैं, तो क्यों ना हम कोई खूबसूरत सा गाना सुने बख्तावर का। यूँ जी बिल्कुल है बख्तावर, शायरी और मौसीकी का तो चोली दामन का साथ है। हाँ देख लें जी। उसे नल वेख लिया कर बीमारा नु शफा मिल जाए, हाय प्यार नल ना से देख लिया कर बीमारा नु शफा मिल जांदी, आए प्यार नल ना सही। सफर बीमार
वेलकम बैक टू अरबाज, आओ मिलमाना जी। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारा नु शिफा मिल जाती है। मलिक साहब, अच्छा ये जब सुना रही थी ना तो बड़ा एक इन ये खुद गाने में रच बस गई थी, तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रचेंगी तो लोग एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो उस वक्त मुझे ना अपने दो शेर याद आ रहे थे, अरे बड़े अच्छे। तो मैं कहता हूँ कि इनकी नजर वाकया मंसूब है इससे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इनकी आवाज के हवाले से था। भाभी देख रही होगी, भाभी देख रही होगी, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बता दें सर वो शेर मेरी नजर कर रहे हैं सर। नहीं नहीं वो तो करेंगे। मैंने कहा शायद कोई होता है ना कोई वाकया वगैरह, ऐसे तो बेशुमार वाकया। अल्लाह हू अकबर, क्या बात है सर। आप एक ही बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बाल उड़ा रहे सर, कारनामे है पीछे, ऐसे ही होता है। क्या बात है जी सर, चाहिए। ये जब सुना रही थी उस वक्त दो तीन शेर थे कि तुम सुबह का तारा लगती हो, एक नूर का धारा लगती हो, ये फूल चिराग कहाँ तुमसे, तुम चांद सितारा लगती हो। क्या बात है जी। और ये आपकी आवाज के नजर के क्या निर्मल कोमल लहजा है, क्या निर्मल कोमल लहजा है, तुम शेर हमारा लगती हो। अरे वाह जी वाह, क्या बात। ये सारी अफशा तुमसे है, तुम धनक का धारा लगती हो, तुम सुख का तारा लगती हो, एक नूर का धारा लगती हो। सर वो एक एक शादी से पहले के इशारे होते हैं, फिर शादी के बाद वाले। अच्छा मेरे तो शादी से बाद और शादी के बाद पहले वाले एक ही जैसे हैं, क्योंकि मैंने कभी बात कर रहे हैं सर। सर छोड़ दे सर। आपकी जिंदगी में कोई टेस्ट ट्विस्ट ही नहीं है। वो एक एक लव मैरिज हुई तो एक बेगम अपने शौहर से कहने लगी कि आप मुझे अब शादी से पहले वाला प्यार नहीं करते, आज ना आप मुझे शादी से पहले वाला प्यार करके दिखाएं। उसने कहा अच्छा चले जी, गए घूमे फिरे, फिल्म देखी, आइसक्रीम खाई, खाना खाया, फिर उसको उसकी माँ के घर छोड़ा है। जबरदस्त। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा ना, बहुत अच्छा। जी सर जी जी, आपके पास भी कोई नज्म है? आपके नाम खुशबू जी, क्योंकि आपका खुशबू से काफी साथ है जी, आपका जी, बिल्कुल। मैं उसी हवाले से उसी हवाले से एक नज्म खुशबू आपके नाम करूंगी। तुम्हारे गम में किसे खबर थी, तुम्हारे गम में किसे खबर थी कि हमने अपना बना बनाया जहान सारा, मिसाल दश्ते बला बनाकर जनून दिल में त्याग डाला। क्या बात जी, फिरत की जिद थी सो पूरी कर दी, मोहब्बतों का लहू निचोड़ा, किसे खबर थी, किसे खबर थी कि कोई खुशबू को कैद करके भी रखना चाहे तो रख ना पाए, सो मैंने खुद को तेरे बदन में मिसाल खुशबू उतार डाला। बदन बज़ाहिर तो है तुम्हारा, मगर मैं उसमें मचलती खुशबू तेरी रगों में महक रही। क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। चलें जी, ये तो अब आपके प्रोफेशन के हवाले से बातें अक्सर होती भी रही हैं और होती रहेंगी। हम जरा एक थोड़ा सा हट के आपके प्रोफेशन से एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं आपके जी, जरूर जरूर, ठीक है ना। आपके सामने कुछ पिक्चर्स आएंगी, अच्छा वो थोड़ी सी ब्लर्ड होंगी, अच्छा लेकिन है वो रेनोन पर्सनालिटी, तो आपको गेस करना है कि वो कौन है, ठीक है। चलें जी, तो कोई इनाम वगैरह भी मिलेगा? इनाम है ना सर, ये पड़े ये घोड़े और ये आपने जानवर इकट्ठे किए हैं, ये भी है सर, ये सोने का। अच्छी बात जी जी। तो पहली ट्रेन है जी रुखसाना सहर जी की, चलें जी पिक्चर दिखाएं जी। ये तो हमारे शायर हैं अहमद फराज। क्या बात है जी, जबरदस्त। चलें जी अरशद मलिक साहब के लिए पिक्चर दिखाई जाए। जी पिक्चर दिखाइए जी, पहचानिए रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। अरे चले, मैंने आपको हिंट दिया जी। सहर जी की बारी है, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। वाओ परवीन शाकर। क्या बात है जी, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। वाह बहुत खूब।
जी नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए अरशद मलिक साहब के लिए। जी नेक्स्ट जी सबा कमर। अरे क्या बात है जी, जबरदस्त। चले जी और है हमारे पास, दिखाइए जी। शहर जी आपकी टर्न है। ये फिल्म स्टार रीमा। क्या बात है रीमा जी, रीमा जी वी लव यू, जबरदस्त जी। अरशद मलिक साहब के लिए दिखाइए। अच्छा जी खत्म हो गए, चले जी। चलें। क्या बात है जी, जबरदस्त। मैं जीत गई क्योंकि मैंने ज्यादा जवाब दिए। अच्छा जी अब वन वे और दी अदर रिलेटेड ही है। ट्यून्स हैं कुछ जी, जी वो ट्यून्स प्ले करेंगे। अच्छा, और आपको गेस करना है कि वो कौन सा गाना है। ठीक है, ठीक है। चलें जी इस मरतबा हम अरशद मलिक साहब से स्टार्ट करते हैं। ट्यून बजाइए जी। प्यार नाल ना से, प्यार नाल ना से, गुस्से नाल नहीं 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 नहीं, नहीं। तेरा गा के सुना है ना। ढोल सजना, ढोल सजना नेड़े नेड़े हो। सर गा के सुना है सर, ऐसी आवाज है हमारी। चलें जी बहुत खूब जबरदस्त जी। नेक्स्ट ट्यून फॉर शहर जी। जी बड़ा मशहूर है ये, बड़ा मशहूर है शबनम और नदीम पे शायद। नहीं नहीं नहीं, नहीं? दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। जावेद शेख साहब पे पिक्चर आई थी, फिल्म थी मुश्किल मुश्किल जी। नहीं लेते जी। नेक्स्ट ट्यून फॉर मलिक साहब जी। अरे गा के सुनाया सर। करम नजारा जदू दी तस्वीर दा, करम नजारा जदू दी तस्वीर दा, वो बहुत सारे किस्से अब जुड़ रहे हैं। आप किस्सों की तह में पहुंच गए जी। और है ट्यून हमारे हमारे पास जी। अच्छा जी फिनिश, क्या बात है जी, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। अपने लिए तालियां बजाइए। चलिए जी इस दफा अरशद मलिक जीत गए। हाँ बिल्कुल सर, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। तो अब वक्त मेरा ख्याल मुख्तसर सा रह गया, और कोई मैसेज कोई पैगाम दिल की बात, वैसे तो आप कॉलमनिस्ट भी हैं, तो कोई और ऐसी बात आप बरमला कहना चाहें तो कह सकते हैं हमारे प्रोग्राम के वसाफिक से। हर एक मुनाफ़कत के लिबादे में है छुपा, हर एक मुनाफ़कत के लिबादे में है छुपा, बातिल के सामने मेरा बनता है बोलना। क्या बात है जी, बस यही मेरा मैसेज है। ये तो वैसे भी आजकल जी बहुत टॉक ऑफ द टाउन है, और इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि बातिल के आगे तो आजकल सर बोलते हैं जबरदस्त। और बोलना चाहिए मलिक साहब। इन्होंने अगर शेर में कहा है, मैसेज दिया है, तो मैं भी शेर में ही देना चाहता हूँ कि इस तीरगी में एक दिए से शिगाफ कर, वाह, इस तीरगी में एक दिए से शिगाफ कर, कोई तो काम तू भी हवा के खिलाफ कर। अरे वाह,
ये जो उड़ाए फिरती है तुझको तेरी अना, ये जो उड़ाए फिरती है तुझको तेरी अना, मिट्टी के पास बैठ जरा इतकाफ कर। बड़ी बड़ी गहरी बात कह रही है आप। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा शेर मैं भी बोल। जी 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 जी। अच्छा। तरके ताल्लुक क्या माने, तरके ताल्लुक क्या माने, तरके ताल्लुक क्या माने, बांध के पर आजाद किया। क्या बात, क्या अच्छा शेर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे प्रोग्राम में, रौनक बख्शी, और बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके। आपको देख के ना बहुत पुरानी यादें आ गई, मुझे याद है सर, क्या कह रहे हैं मैं कितनी पुराना, मतलब मैं कायदे आजम के जमाने का हूं, मुझे आपके आपसे पहले आपकी हिस्ट्री ना आसफ खान से शुरू, ये कहे ना सर, और काला धंधा गोरे लोग से शुरू। अरे क्या बात है सर, और उसके बाद आप देखी आपने? जी बिल्कुल मैंने देखी है, और बहुत शौक से मैंने सिनेमा में देखी थी, मजे की बात है, बहुत जबरदस्त। और कैसी उसमें, मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम समझते हैं कि ये वक्त से पहले आ गई, ये बहुत पहले आई थी फिल्म, और इसका लगता था कि यार उस दौर वाले लोगों के लिए ये नहीं थी, ये आने वाले लोगों के लिए। सही बात है सर, आज भी वो फिल्म देखें तो आपको लगता है कि आज की दौर की फिल्म है। वहीद मुराद साहब की भी तकरीबन वो आखिरी अयाम थे, आखिरी अयाम, और उसके बाद फिर जब वो आए तो उनका इंतकाल हो गया। और महबूब चौहान साहब जो रफी साहब के शागिर्द थे, जी जी, इसका सारा लंदन वहीं पे म्यूजिक लंदन में रिकॉर्ड हुआ था, ए नैयर साहब और महबूब चौहान साहब और मेहनाज जी के वोकल्स थी इसमें, और अब आज भी इसका म्यूजिक आप सुने, आप देखे वो क्या जबरदस्त, वो जो एंट्री होती थी और एंट्री के बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक था वो आज भी कानों में गूंजता है। ये हवा ये फिजा ले चली है कहां, आसमां के तले बन के पंछी मैं उड़ूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप लोगों की आमद का, आपने यकीनन बहुत मजा आया और चांद चार लगा दिए मेरे शो को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका शो ये बहुत अच्छा शो, और इसका मैनेज बहुत अच्छा किया आपने, और आपको हमने एज ए एक्टर देखा, और आज आपको एज ए एंकर पर्सन देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपने, आप हरफन मौला हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा सेम चैनल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चलते चलते वी आर ओवर टू बख्तावर कय्यूम।